आप देख रहे हैं मिशन न्यूज पाकिस्तान की आवाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाँच फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे के मौके पर बल्दिया टाउन में मूसा फाउंडेशन, सिंध पुलिस के रेट्रिक, सिंध सोलेट वेस्ट और एलाइड पब्लिक स्कूल के इश्तराक से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। तो ये मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, इसमें फ्री अदवात, फ्री टेस्ट और जो व्हील चेयर है माजूर अफराद के लिए उनको दी जा रही है। और मूसा फाउंडेशन का एक अच्छा काम है, और भी एनजीओ से कश्मीर से इदारे यकजहती के लिए आज के दिन ये आसिफ भाई चेयरमैन मूसा फाउंडेशन ने ये दिन डिसाइड किया। और पब्लिक का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो लोग परेशान हैं माली हालात के ऊपर, बेरोजगार है, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुस्तफीद हो रहे हैं और ये काम हम जारी रखेंगे। खिदमत पे हम यकीन रखते हैं और काम हमारा एक खिदमत का जारी रहेगा। जो काम मूसा फाउंडेशन, सिंध पुलिस और अलाइड स्कूल जो कर रही है, यहाँ आज का जो मेडिकल कैंप है वो एक तो कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए, और एक हमारे दोस्त थे नुमान शाह साहब जो कि कैंसर के मर्ज से उनका इंतकाल हुआ, ये आज का कैंप उनके नाम पे है। अच्छा, तो आज का जो मेडिकल कैंप है वो बल्दिया टाउन की आवाम के लिए है। यहाँ पर वो लोग जो साहिब मुस्तहिक हैं, मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक, पीड्स, चिल्ड्रन और जनरल फिजिशंस, और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हेपेटाइटिस बी सी। तो चूँकि बल्दिया टाउन इलाका जो है वो एक बैकवर्ड इलाका है, और जो महंगाई की सूरत हाल है, जो गरीब आदमी दवाई से भी महरूम है, जो दवाई आज 100 रुपए की थी वो 400 रुपए की हो गई है। क्योंकि हम जब खुद मेडिकल की दवाइयाँ लेने के लिए गए हैं इस दफ़ा, तो इसमें हमने देखा है कि जो दवाई 1 लाख की आती थी, अब वो 2.5 से 3 लाख की दवाइयाँ जो आज के कैंप के लिए वो आई हैं। इसमें हमने माजूर अफराद के लिए बिल्डिंग भी रखी है, क्योंकि सिंध पुलिस हमेशा मतलब ज्वाइंटली रही है, और इन कामों में असल में पुलिस का एक नेगेटिव चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन आप के ज़रिए ये पॉजिटिव चेहरा भी जाएगा आवाम के दरमियान कि पुलिस दूसरे काम भी कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन, सिंध पुलिस इसी तरह आवाम की फलाह बहबूद पर काम करती रहेगी। और मेरी और मुख्तलिफ लोगों से, एनजीओ से और मुख्तलिफ साहिब हैसियत लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी मैदान अमल में आए और हमारे साथ मिलकर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन, सिंध पुलिस, हमारे आसिफ रजाक साहब का SSP भी रहे हैं बल्दिया टाउन के, ये भी हमारी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से, और ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं हमारे साथ, वॉलंटरी काम कर रहे हैं। तो मैं और भी लोगों से गुजारिश करूँगा, जिस तरह आसिफ रजाक साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ और डॉक्टर्स, डॉक्टर सैद, डॉक्टर सलमान और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ वॉलंटरी काम कर रहे हैं। और हमारी जो फाउंडेशन है, किसी से कोई हमारी फंडिंग नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत जो हमारे दोस्त हैं, कारोबारी हजरात हैं, हम मिलकर जो है ना वो जो हम कमाते हैं उससे हमने 50% जो है वो अल्लाह की राह के लिए मुख्तस कर दिया है। तो हम उसमें जो अल्लाह की राह में भी खर्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह कैंप चल रहा है, इस तरह मुख्तलिफ भी हमारे राशन डिस्ट्रीब्यूट भी होती रहती है कोविड के। सर, इशू ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और इशू ये है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जो है वो पिछले काफ़ी महीनों से जो है हम अपनी जो ये मेडिकल एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा जो है वो स्टॉप किए हुए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने शुरू दोबारा से जो है ये मामला शुरू किया है। और जो कि आपके सामने सूरत हाल है कि मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि अभी जो महंगाई की वजह से जितनी जो है दवाइयाँ महंगी हुई हैं और इलाज महंगा हुआ है, तो इस सूरत हाल में हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके गरीब, मुस्तहिक और नादान लोगों के लिए जो है वो इलाज मुआलजे का और दवाइयों का जो है वो मुफ्त में बंदोबस्त कर सकें। तो ये हमारी कोशिश है, काविश है, और हम हमेशा से करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर मुफ्त अद्वियात के साथ, मुफ्त टीबी मुआयने के साथ जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं, और लोग जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे मुस्तहिक और नादान, और वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है इंशाल्लाह जारी रहेगी मुस्तकबिल में भी। एक रोज़ा मिली फ्री मेडिकल कैंप 5 फरवरी कश्मीरियों से, कश्मीर बरादरी से इजहार यकजहती के लिए ये चेयरमैन मूसा फाउंडेशन आसिफ मूसा की जानिब से ये कैंप मुनक्किद किया गया है, और ये कैंप इंशाल्लाह शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें हम व्हील चेयर्स, बैसाखी और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, शुगर टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ECG वगैरह सारे टेस्ट हो रहे हैं, और ये अद्वियात भी फ्री दी जा रही हैं। और इंशाल्लाह
जो है वो ये कैंप शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें हमारे साथ ताउन है सिंध पुलिस का, क्या इलेक्ट्रिक, सिंध सॉलिड वेस्ट और सर शकील एलाइड स्कूल। और मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि इस कैंप में फ्री चेकअप, फ्री टेस्ट, कोरोना वैक्सीन फ्री अदायत के अलावा माजूर और बेसहारा लोगों को व्हील चेयर और बैसाखियाँ भी तकसीम की गई। रिपोर्ट शहजाद हुसैन, मिशन न्यूज़, कराची।